कटारिया ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा करा। और देखो मैं ऑनेस्टी से जो बात बोलूंगा ना, बिल्कुल ऑनेस्टी से। एलवी शादू ने रिया किया सना मकबूल पे। तो दरअसल कैसे आप लोगों को पता होगा कि सना मकबूल बिग बॉस ओटीटी 3 की विनर बन चुकी हैं। और एलवी शादू ने ये भी कहा कि कैसे बिग बॉस ओटीटी 2 में हाइप थी एक्चुअली, वैसे बिग बॉस ओटीटी 3 में बिल्कुल भी हाइप नहीं है। और एलवी शादू ने क्या कहा है आप सब देखिए। जो भी मेरे पे न्यूज आई है कि सना मकबूल जीत गई है भाई बिग बॉस। देखो मैंने ना बहुत पहले बता दिया था कि मुझे ऐसा लगता है कि सना मकबूल ही जीतेगी। कटारिया ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा करा। और देखो मैं ऑनेस्टी से जो बात बोलूंगा ना, बिल्कुल ऑनेस्टी से बोलने वाला हूँ। कटारिया जब आउट हुआ उसके बाद बिग बॉस की व्यूअरशिप बहुत कम हो गई। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि जैसे इस बार सना मकबूल विनर बनी तो वाला हुआ मचा के वो विनर बनी, विनर बनी, विनर बनी। ऐसा था कि इट वॉज जस्ट लाइक नॉर्मल, नोबडी नोज इट। मम्मी कसम खा रहा हूँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ कि वो वाले मेरे को क्रेज नजर नहीं आया कि भाई ओहो सना जीत गई। ऑल्दो मेरी मेरे को पसंद थी वो, मतलब पसंद है अभी भी। मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ कि जब से उसने एंट्री ली है कि भाई सना मकबूल इज गुड डिजर्विंग, हमेशा से वो कहती है कि मुझे विनर बनना है, विनर बनना है। नो डाउट विनर भी बनी, उनको बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेशंस मेरी साइड से। बट मुझे वो वाला हवा नजर नहीं आया। हवा समझ रहे हो तुम लोग की चर्चे हो जाते हैं जैसे कि वो फलानी वो जीत गई, वो जीत गई, वो जीत गई, वैसे वाला पता नहीं। शायद मेरे हिसाब से मेरे इंटरनेट में दिक्कत होगी या फिर पता नहीं मेरे फोन में दिक्कत होगी, जो भी दिक्कत होगी। बाकी हमारे कटारे भाई की जर्नी बहुत अच्छी रही, उनको उसने मोटरसाइकिल भी जीती है किसी, पता नहीं कौन सा कुछ मैंने सुनने में आया कि मोटरसाइकिल जीती है। बाकी मम्मी का फोन आया था कह रही ग्रैंड फिनाले में इस बार उतना मजा नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई पता नहीं, देखो मेरे को तो उतना पता नहीं, मैंने एक ग्रैंड फिनाले अटेंड करा था खुद से जिसमें मैं था। आप सभी का क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आप लोग मेरे वीडियो पे नए उतार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर लेना।